ओके, तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल देसी बॉयज पे। वी होप कि आप सब अच्छे होंगे और सेफ भी होंगे। सो आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और वो गुड न्यूज़ ये है कि आफ्टर बहुत ही स्ट्रगल और फोर्स के बाद सुशांत सिंह राजपूत का केस CBI इंक्वायरी के लिए जा चुका है, और अब ये CBI इंक्वायरी होने वाली है। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों से हमारे बिहार पुलिस IPS ऑफिसर, सीनियर IPS ऑफिसर विनय तिवारी जी मुंबई गए थे इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, पर उन्हें वहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया गया, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला, इवन मैन हैंडलिंग भी हुई है उनके साथ, जैसे कि वीडियोस हमने देखे हैं न्यूज़ में। और अगर बात करूँ एक गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की, तो उनके ऊपर केस किया था सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने, अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने केस लॉन्च किया था जो कि अब इंक्वायरी होने वाली है। और एक हमने ट्वीट पढ़ी थी जिसके अकॉर्डिंग 25 फेब को बांद्रा पुलिस में एक FIR लॉन्च हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के फादर के द्वारा कि दैट हिज सन इज इन डेंजर, बट उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए उन्होंने ये कंप्लेंट दर्ज की बिहार पुलिस के पास, और बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट करने गई पर उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला, और अल्टीमेटली अब ये केस जा चुका है CBI के पास। और अगर बात करें कुमार रनौत की, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं इस केस में है, क्योंकि स्टार्टिंग से जिस तरीके से उन्होंने अपने फैंस को अपील किया कि आप जस्टिस के लिए खड़े रहो, अगर आपको पता ये बात सच है कि इसका गलत हुआ है तो किसी के साथ गलत ना हो करके इसका सच जानना सबके लिए काफी जरूरी है। और इसके साथ हम आपको बहुत सारे ट्वीट्स दिखाना चाहेंगे जो कि बहुत फेमस लोगों ने ट्वीट किए हैं कि एक CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं नीचे हम आपको ये ट्वीट दिखाना चाहेंगे किस तरह लोगों ने ट्वीट किए हैं CBI इंक्वायरी के लिए जो कि अब होने वाली है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार जस्टिस मिलेगा, सही फैसला होगा। और बाकी आप जैसे कि ट्वीट में देख सकते हैं काफी नामी लोग, काफी बड़े बड़े लोगों का नाम इन्वॉल्व है इस केस में। अगर बात करें आदित्य ठाकरे की, तो कल के ट्वीट में उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है सुशांत सिंह के मृत्यु के साथ, कुछ भी कनेक्शन नहीं है। उसका रिप्लाई देते हुए कंगन ने करारा जवाब दिया है कि अगर आप कनेक्शन नहीं है तो अभी तक आपने CBI इंक्वायरी को क्यों रोका, अभी तक जो कॉल रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग 7 दिन की थी आपने कॉल रिकॉर्डिंग को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करनी थी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आप CBI को देने को तैयार नहीं थे, क्यों इस केस को खींचा जा रहा था, बिहार पुलिस को सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, बहुत से क्वेश्चंस थे। इन सवालों का जवाब अब मिलने वाला है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े नाम स्टार्टिंग फ्रॉम सलमान खान, फ्रॉम करण जौहर, सबका नाम इसमें इन्वॉल्व है। और जो जिसके ऊपर एक केस हुआ है मेन रिया चक्रवर्ती, उन्होंने उनका भी स्टेटमेंट कुछ दिनों में एक इंस्टाग्राम में एक वीडियो आया था जिन्होंने उन्होंने कहा था कि सत्य में विजय थे, उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन एक्चुअली वो प्योर लग रहा था चीज़ों में एक्टिंग, आई डोंट नो व्हाट शी हाइडिंग, वो हम कह नहीं सकते, वो हम डिपेंड करते हैं CBI, लेकिन इससे मालूम पड़ेगा कि कौन इस केस में जुड़ा होगा और किस कौन इस केस से नहीं जुड़ा होगा, तो क्लियरिफिकेशन मिलेगा इस केस। काफी उम्मीद है, काफी फैंस हैं जो कि इस दिन के लिए वेट कर रहे थे, इस न्यूज के लिए वेट कर रहे थे, उनके दिल में एक खुशी की लहर आई होगी कि जस्टिस मिलेगा शांत को, आखिर जस्टिस मिलेगा, बट क्या रिजल्ट होगा इसका हमें कोई अंदाजा नहीं, लेकिन जो भी होगा सही होगा, जो हो सही हो, अगर किसी गलती है उसे सजा मिले, और अगर नहीं तो अंकिता लोखंडे ने अभी रिसेंट में एक स्टेटमेंट दिया था कि उनके माँ के गुजर जाने के बाद अगर किसी से ज्यादा क्लोज थे सुशांत, तो उनकी सबसे बड़ी बहन जिनका नाम रानी है उनसे थे, और उन्होंने एक ट्वीट भी किया था राखी के दिन अभी रिसेंटली दैट शी इज मिसिंग गुलशन, जो कि उनका घर का नाम था, उन्हें बहुत मिस कर रही है, और इस बार कोई एक कलाई सुनी रह जाएगी। तो अगर बात करें इनकी बहन का, तो मतलब डेली 2 से 3 ट्वीट करते थे और यहाँ पे बोलते थे नरेंद्र मोदी CBI इंक्वायरी के लिए चाहिए केस, और आखिरकार उनकी सुन ली गई। सो एक बहन की जीत है ये, जो अपने भाई की भाई की जस्टिस की मांग कर रही थी, तो काफी बड़ी जीत है ये हमारी, काफी फैंस की, काफी फैमिली मेंबर्स सबके लिए ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। तो एक्चुअली होता है कि सच की हमेशा जीत होती है, तो यहाँ पे हमको सच मालूम पड़ेगा कि आखिर क्या हुआ था उस दिन और क्या सच है, जिसके लिए हम लोग सब लोग जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। और आप बताइए कि आपको कितनी खुशी हुई ये न्यूज सुन के, और आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कौन है, हु इज द रियल विक्टिम फॉर दिस केस? यस, सो लेट्स सी। तब तक के लिए बाय।